अब बड़े प्लान में माइंडसेट कैसे करोगे बताओ, माइंडसेट कैसे करोगे? क्या हर एक से पूछोगे? सिंपल तरीका, एक ऐसा हल्का सा मजाक करो कि सामने वाला हंस दे, जैसे मैं करता हूं। मैं बोलता हूं गुड मॉर्निंग, लगता है शायद कुछ लोग खाना खा के नहीं आए, तभी उनके अंदर से गुड मॉर्निंग की आवाज नहीं आई, तो सामने वाला स्माइल करता, हंसता है, बस एक्सेप्ट कर लिया मुझे। फिर मैं बोलता हूं लगता है शायद कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आया, तभी उन्होंने मेरे को गुड मॉर्निंग का आंसर नहीं दिया, अगेन एवरीवन गुड मॉर्निंग, अब एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रहा है बात? कुछ पल्ले पड़ रही है? टेक्निकल गुड मॉर्निंग का आंसर दे दे या सामने वाला हंस दे, इसका मतलब है उसने आपको दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया, ये मैंने कर दिया माइंडसेट। ठीक, अब अगला माइंडसेट मैं अगली लाइन से करता हूं। कैसे करता हूं? दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपको यहां किसने बुलाया और क्या बोलकर बुलाया, ये मुझे नहीं पता, ये मैं हरे प्लान बोलता हूं, ये मैं कर रहा हूं माइंडसेट। हो सकता है कि आपको ये बोलकर बुलाया गया हो कि किस तरह से आप पढ़ाई करने के साथ साथ पैसा कमा सकते हैं, क्या किसने बुलाया, क्या बोलकर बुलाया, लेकिन अब मैं आवाज तेज करता हूं, मैं आपको स्टेज पे खड़े होकर एक बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर अगला एक घंटा जिस व्यक्ति ने इस प्रोग्राम को ध्यान से सुना और समझा, मेरी गारंटी है कि उसकी लाइफ बदल जाएगी। अब मैं दूंगा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, अब मैं दूंगा सेल्फ इंट्रोडक्शन। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों से आगे बात करूं, आपके सामने अपना परिचय देना चाहूंगा। फ्रेंड्स मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और मैं रहने वाला फिरोजाबाद का हूं, राइट? और पहले या कुछ समय पहले इस वंडरफुल बिजनेस में आने का मौका मिला। बिजनेस आगे लगाओगे विश्लेषण, वंडरफुल जबरदस्त धमाकेदार बिजनेस में आने का मौका मिला, कभी भी बिजनेस नहीं बोलोगे, पहले क्या लगाओगे? विश्लेषण। सुना हिंदी में एडजेक्टिव, जबरदस्त बिजनेस में आने का मौका मिला, धमाकेदार बिजनेस में आने का मौका मिला, शानदार बिजनेस में आने का मौका मिला। कभी भी इनवाइट प्लान फीडबैक ट्रेनिंग बिजनेस नहीं बोलना है, पहले क्या बोलना है? एडजेक्टिव, धमाकेदार, जबरदस्त, बिंदास, है कि नहीं? जो भी आप, मेरी गारंटी है कि जिस व्यक्ति ने, अभी मैं आराम से बोल रहा हूं लेकिन आपको तेज आवाज में बोलना है, जिस व्यक्ति ने इस काम को ध्यान से सुना समझा, उसकी जिंदगी में वही बदलाव होंगे जैसे बदलाव मेरी जिंदगी में हुए। और दोस्तों आज से लगभग 10 साल पहले जब मुझे भी पहली बार इस जानकारी को फर्स्ट टाइम सुनने का मौका मिला, तो जिस व्यक्ति ने यह जानकारी मुझे समझाई, जानकारी को समझाने से पहले उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात समझाई। उन्होंने मुझे समझाया, अगर आज हम अपने पूरे भारत की बात करें तो अपने पूरे भारत को हम लोग टाइम और मनी के आधार पर चार भागों में बांट सकते हैं। ये एग्जांपल सबको पता है। अब यहां पर दो तीन तरीकों से हम ये सब क्या चल रहा है, मनी, याद है? टाइम, मनी। नंबर ए, लॉट्स ऑफ टाइम नो मनी, पुअर कैटेगरी, राइट? नंबर टू बी, नो टाइम नो मनी, मिडिल कैटेगरी, या फिर जॉब, जो भी आपको इजी लगे। क्या बोल रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कैसे बोल रहे हो उसको सुनना है बस, ठीक है? अभी मैं आराम से बता रहा हूं। नंबर थ्री सी, लॉट्स ऑफ मनी नो टाइम, इट इज रिच कैटेगरी। और लास्ट में डी कैटेगरी, लॉट्स ऑफ टाइम विद लॉट्स ऑफ मनी, व्हाट इज दिस? टीसीएस। पहले बोलो गणित कभी झूठ नहीं बोलता, पहले क्या बोलोगे? गणित कभी झूठ नहीं बोलता। गणित में 3+2 कितने होते हैं, कितने होते हैं 3+2? 5 ही होते हैं भैया, ऐसा नहीं है सर्दियों में पिघल के 5.5 हो जाएगा, है ना? सर्दियों में सिकुड़ के 4.5 हो जाएगा, गर्मियों में पिघल के 5.5 होगा, ऐसा होगा क्या? 3+2 5 = 5। मैं हल्का सा मजाक करूंगा यहां पर, समझ आ रहा है क्यों? ताकि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करता रहे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारे पॉइंट बहुत मनोवैज्ञानिक है भाई, समझना इसको। तो गणित की भाषा में मैं आपको कुछ बताऊंगा। गणित कभी झूठ नहीं बोलता, आप हिंदी में झूठ बोल सकते हो, आप इंग्लिश में झूठ बोल सकते हो, गणित में कभी झूठ नहीं बोलते। तो गणित की भाषा में मैं आपको कुछ बताता हूं। उस समय मैं घर चलता था, ये तब का समय है जब पेट्रोल 25 पैसे लीटर हुआ करता था। अगले 20 साल बाद 1 यूरो बढ़ गया। 1990 में जनगणना हुई, एक परिवार का खर्चा चलाने के लिए 1000 रुपए की इनकम होनी चाहिए। 2010 में पता चला कि 10,000 की इनकम होनी चाहिए। आप लोग नोटिस कर रहे हो हर साल में 0 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसी तरीके से गणित कभी झूठ नहीं बोलता, 1 जीरो और बढ़ेगा और 2030 तक आते आते 1 लाख पर मंथ की इनकम है, तब जाके आप खर्चा चला पाओगे। क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप 2030 तक 1 लाख पर मंथ कमा सको? अगर है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगर नहीं है तो आज मैं आपको एक ऐसे ही रास्ते के बारे में बताता हूं जिससे आप अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ, अपनी नौकरी करने के साथ साथ 1 लाख पर मंथ कमा सकते हैं। ये क्या किया मैंने? माइंडसेट। टाइम मनी से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। और बताओ, हम बात करने वाले हैं एक आम इंसान के बारे में। आज हम बात नहीं करेंगे शाहरुख खान के बारे में, बात नहीं करेंगे विराट कोहली के बारे में, बात करेंगे आम इंसान के बारे में, अपने बारे में, मेरे बारे में। हम लोग कौन है? एक आम इंसान है, यस और नो?
आम इंसान है कि नहीं है? दोस्तों हम में से हर इंसान लाइफ में दोस्तों क्या देखता है? ड्रीम्स देखता है। दोस्तों क्या देखता है? ड्रीम्स देखता है। ये भी माइंडसेट का एग्जांपल देता हूं, जो तुम्हें पसंद आए उससे माइंडसेट करो, क्योंकि तुम सबको प्लान करके दिखाना है अभी, तो जिसे करो। मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे पहले हमें अपने सपने पूरे करने के दो ही रास्ते पता थे, या तो हम जॉब करके अपने सपने पूरा करने की कोशिश करते थे, या फिर हम कोई बिजनेस कर अपने सपने पूरा करने की कोशिश करते थे। तो मुझे दोस्तों आप लोग बताइए, आपकी नजर में हम ज्यादा पैसा किससे कमा सकते हैं, जॉब से या बिजनेस से? बिजनेस से। दोस्तों आप ही नहीं, इस दुनिया में 100% लोग ये बात मानते हैं कि ज्यादा पैसा बिजनेस में कमाया जा सकता है। ये बात कितने परसेंट लोग मानते हैं? 100% लोग ये बात मानते हैं कि ज्यादा पैसा बिजनेस में कमाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा, एक न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स ने सर्वे के बाद बताया कि पूरी दुनिया में, देखो बॉडी लैंग्वेज, पूरी ये क्या कर रहा हूं मैं फिर बोल रहा हूं, हाथ घुमा रहा हूं ना, ये क्या है, किसका एग्जांपल है ये? बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है। दोस्तों पूरी दुनिया में केवल 15% लोग ही बिजनेस करना चाहते हैं, और बाकी के 85% लोग अपना गुजारा किससे करते हैं? जॉब से करना चाहते हैं। क्या बोलना है? 15% लोग बिजनेस करना चाहते हैं और 85% लोग जॉब करना चाहते हैं। अगर आप किसी क्लास में जाओ, 100 बच्चे हैं, पूछो कितने लोग जॉब करोगे, तो 85 हाथ खड़े हो जाएंगे। कितने लोग बिजनेस करना चाहते हो, केवल 15 हाथ खड़े होंगे। दोस्तों मुझे आप बताइए, क्या वजह है जब हर इंसान जानता है कि ज्यादा पैसा बिजनेस में है, तो भी केवल 15% लोग ही बिजनेस करना क्यों चाहते हैं? मुझे आप बताइए क्या वजह है। अब लोगों से पूछते हैं, मैडम जरा आप खड़ी होंगी, आप बताइए सिर्फ 15% लोग ही बिजनेस करना क्यों चाहते हैं? हर कोई जानता है ज्यादा पैसा किसमें है, तो केवल 15% लोग बिजनेस करना क्यों चाहते हैं, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, बैठ जाइए। दोस्तों बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि तो बिजनेस की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ चीजों को लगाना पड़ता है। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में आपको क्या होनी चाहिए? नॉलेज। अगर बिना नॉलेज के कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे आप फेल हो जाएंगे। कल को आपने दुकान खोल ली, मेडिकल स्टोर, दवाइयों की जानकारी नहीं है, सामने वाला आया बुखार की दवाई लेने के लिए, आपने दे दी चूहे मारने की दवाई, तो क्या होगा? खुद तो जाओगे 4-5 को लेके जाओगे, है ना? तो आपको पहले क्या होनी चाहिए उस बारे में? नॉलेज। दूसरी चीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है। दोस्तों मुझे आप लोग बताइए, आज के समय में अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना है जिसमें आप 30-40 हजार महीना कमा सकें, तो शुरुआत में आपको कितना रुपया लगाना पड़ेगा? अब यहां पर लोग गलती और करते हैं, लोग बोलते हैं, आप बताइए अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो कितना पैसा लगाना पड़ता है? लोग बोलेंगे 5,000। क्या खोलोगे? मूंगफली का ठेला खोलूंगा, फिर लगाऊंगा मूंगफली का, है ना? तो हमें क्या बोलना है? आप बताइए कि अगर आप 25-30 हजार महीना कमाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में कितना पैसा लगाना पड़ेगा? अब मैंने क्या डाल दिया बीच में, 25-30 हजार मुनाफा कमाना है। क्या मूंगफली वाला 25-30 हजार महीना कमा लेता है? अब चेंज हो गया ना क्राइटेरिया। बताइए सर कितना लगाना पड़ेगा, बताइए, आप बताइए सर, अगर आप 25-30 हजार महीना कमाना चाहते हैं औरैया में, तो शुरुआत में कितना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें? कम से कम 2 लाख रुपए। सर ठीक है, मैं आपको 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन क्या आप गारंटी लोगे कि मुझे हर महीने 25,000 आएगा? कोई गारंटी नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों आज की डेट में 2 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बैंक भी लोन देने को तैयार है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जब मैं 5,000 बोलूंगा ना फीडबैक में, तब ये लाइन काम आएगी। मैं देखो अभी से माहौल बना रहा हूँ फीडबैक का। मैं बोल देता ना अगर भाई साहब 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है, तो कल को बोलता 5,000 भी बड़ी बात है ना? पर मैंने क्या बोला, भाई साहब बड़ी बात ये नहीं है 2 लाख रुपए, ये तो बहुत छोटी इनकम है, हर किसी के पास आजकल होते हैं। यहां तक कि बैंक भी लोन देने को तैयार है, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं कि कल को 2 लाख लगा दिया और बिजनेस नहीं चल पाया तो कहां जाएंगे, है ना? तो यहां क्या होता है, रिस्क होता है। तीसरी चीज, स्पेस, स्टॉक, स्टाफ। 3 बातें हम और बोलते हैं, स्पेस चाहिए होगा, स्टॉक चाहिए होगा, स्टाफ, पर बहुत लंबा होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तीसरी पॉइंट, हम आएंगे 6वें पॉइंट पर। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है मार्केट। दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको मार्केट कैसी मिलती है? लोकल। मुझे आप बताइए, अगर आप आगरा में कोई दुकान खोलेंगे मोबाइल फोन की, क्या कोई औरैया से मोबाइल फोन लेने आएगा? कोई कानपुर से आएगा? अरे आसपास के लोकल लोग ही तो आएंगे। तो आप जो बिजनेस खोलोगे कैसी मिलेगी आपको मार्केट? लोकल। और इन सब के बाद भी आपको बिजनेस में फेस करना पड़ेगा बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन। मुझे आप बताइए कि आज के समय में आगरा में केवल आप ही की दुकान होगी? भैया 2 दुकान सामने और खुली है,
ग्राहक पहले आपसे पूछेगा मोबाइल कितने में दोगे, आप बोलोगे 10,000, सामने वाले पे जाएगा, वो 10,000 में दे रहा है तू कितने में देगा, वो बोलेगा 9,500, बगल वाले पे जाएगा, वो 9,500 में दे रहा है तू कितने में देगा, भैया मैं 9,000 में दे दूंगा। और कई बार तो बिजनेस में नुकसान उठाकर भी सामान बेचना पड़ता है मार्केट में टिके रहने के लिए, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो आपको बिजनेस में क्या फेस करना पड़ता है, बहुत ही ह्यूज कॉम्पिटिशन दोस्तों, क्या फेस करना पड़ता है, ह्यूज कॉम्पिटिशन। और इन सबके बावजूद भी आपको देना पड़ता है टाइम। दोस्तों एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को दिन में कितने घंटे का समय देगा, 10 से 12 घंटे नहीं, 24 घंटे का समय देना पड़ता है, जिसमें 12 घंटे देने पड़ते हैं फिजिकली और 12 घंटे देने पड़ते हैं मेंटली। बिजनेसमैन सो नहीं पाता, रात में टेंशन आती है उसको, है ना। और दोस्तों यही सब बातें हैं, एक आम आदमी डरता है बिजनेस से और भागता है नौकरी की तरफ, और इन सभी चीजों के साथ में हमें एक चीज मिलती है बिल्कुल फ्री, और दोस्तों क्या है वो 100% रिस्क। इन सब बातों के बाद भी कोई रिस्क नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, मान लेते हैं औरैया में बीच चौराहे पर आपका गाड़ियों का शोरूम है, शोरूम चल गया, आप 1,00,000 महीना कमा रहे हो, लेकिन अगर कल को नगर पालिका अरे आपके शोरूम के ऊपर से एक फ्लाई ओवर पुल बनवा दे, या सरकार दुकान के आगे एक नाला खुदवा दे, आप जमीन पर आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। और दोस्तों ऐसा हुआ भी है हमारे समाज में कि बड़े बड़े उद्योगपति एक रात में आसमान से जमीन पर आ गए हैं, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? Yes, बड़े बड़े बिजनेसमैन एक रात में आसमान से जमीन पर आ गए हैं, और इसी रिस्क की वजह से एक आम आदमी डरता है बिजनेस से और कहां भागता है, नौकरी की तरफ, कि भैया हर महीने सुकून का 25,000 तो आएगा। आइए दोस्तों, मेरा पॉइंट समझना मैं क्या बोलूंगा, आइए दोस्तों जरा इसी बिजनेस की तुलना हम अपने वैल्यू इंप्रूवमेंट